Hello students and good morning. I am Professor Rajkumar. Today we will read a poem what is being in English literature. ठीक है, आज पोएम पढ़िए हमारा. जो पोएम का नाम है व्हाट इज पिंग. व्हाट इज पिंग, ठीक है. ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर बुक पेज नंबर 31 पे है. ठीक है, आप इसे ओपन करें, मैं आपको पढ़ रहा हूँ. उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा इस चैप्टर को, इस पोएम को जरूर पढ़ेंगे. पेज नंबर 31 मैं पेज नंबर यहाँ लिख देता हूँ. पेज नंबर 31 एंड पेज नंबर 32, ये दोनों ही पेज है पोएम से आप पढ़ें. आप वीडियो देखने से पहले आप इसे पढ़ लें, वो बेहतर है कि आप अधिक समझ पाओगे. पॉज कर लीजिए वीडियो को, आप पढ़ लीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं. व्हाट इज पिंक? अ रोज इज पिंक बाय द फाउंटेन स्प्रिंग. व्हाट इज रेड? अ पॉपी इज रेड इन इट्स बार्ले बेड. व्हाट इज ब्लू? द स्काई इज ब्लू वेयर द क्लाउड्स फ्लोट थ्रू. White is white, a swan is white, sailing in the light. देखिए ये पॉइंट जनरली आप कलर्स के बारे में है. ठीक है, कलर्स और उस कलर से जुड़े हुए वो रंग, वो एनिमल्स या वो चीजें जो उस कलर की होती हैं. इस पॉइंट में हम कलर्स की बात करेंगे, वो कलर जो आप देखते होंगे, हर दिन देख रहे होंगे, और उस कलर से वो कलर किस किस किसी के पास है, किसी एनिमल के पास है, किसी थिंग के पास है, या किसी भी चीज के पास वो कलर है, उस चीज कलर का वो चीज है. जैसे मैं डोर की बात करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट के घर में डोर क्या होंगे, ब्राउन होंगे, व्हाइट होंगे, ब्लू होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे. आपने आस पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखते होंगे, ऐसे थिंग देखते होंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट देखते होंगे, ऐसे घर भी देखते होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो इस पोएम में हम कलर्स के बारे में जान, क्या है कलर्स के बारे में. तो इस लाइन में कौन से कलर का यूज किया गया है? फर्स्ट कलर कौन सा है? दैट इज पिंक. सेकेंड इज रेड. थर्ड इज ब्लू. ओके, एंड फोर्थ वन इज व्हाइट. इस लाइन्स में आपके पिंक, रेड, ब्लू एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है. आप एक होमवर्क ध्यान रखेंगे घर पे, आप क्या करेंगे, जितने भी कलर्स के बारे में बताऊंगा, उस कलर्स या उस कलर्स की जितनी भी चीजें आपके घर में है उसको नोट डाउन करेंगे और मुझे आप सेंड करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, तो बुक में जो चीजें दी गई है, जो जिस कलर की है मैं उनका नाम लिख रहा हूँ. पिंक, व्हाट इज पिंक? आर रोज इज पिंक. पिंक क्या है? एक रोज है. पिंक क्या है? रोज. व्हाट इज रेड? अ पॉपी इज रेड इन बार्ले बेड. क्या है पॉपी इज रेड? है मीन्स फ्लावर है. ये क्या है? फ्लावर. फ्लावर की बात हो रही है. व्हाट इज ब्लू? द स्काई इज ब्लू. किसकी बात हो रही है? स्काई की, आसमान की. व्हाट इज व्हाइट? अ स्वान इज व्हाइट. यहां पर किसकी बात हो रही है? स्वान की. ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे जाना चले. जो व्हाट इज येलो? पियर्स आर येलो. रिच एंड डीप एंड मेलो. व्हाट इज ग्रीन? द ग्रास इज ग्रीन विद अ स्मॉल फ्लावर बिटवीन. व्हाट इज वायलेट? क्लाउड्स आर वायलेट. इन द समर ट्वाइलाइट. व्हाट इज ऑरेंज? Why an orange? Just an orange. और इसमें कुछ कलर्स के नाम दिए गए हैं और उनसे जुड़े कुछ चीजें हैं जो हमें बताए गए हैं. हाँ, पांचवा कलर है येलो. क्या है? येलो. सिक्स्थ वन इज ग्रीन. सेवन्थ वन इज वायलेट एंड लास्ट वन इज ऑरेंज. This poem is written by Krishna Roshan. Okay? Yellow क्या है? Pears are yellow. Pears एक फल होता है, आपने कभी देखा भी होगा.
Next, what is green? Grass is green. What is violet? Clouds are violet. What is orange? Orange is orange. Orange is narangi. क्या? नारंगी से आप संतरा भी कहते हैं. ठीक है? ये कुछ कलर्स हैं. जो कलर्स इस पोएम में यूज किए गए हैं और उस कलर्स से कोई दूसरी चीजें भी हैं उनके नाम दिए गए. आपको भी मिनिमम 5 ऐसे ऑब्जेक्ट दिखने हैं. ऐसे कोई भी चीज दिखनी है जो इन कलर्स के होते हैं. पिंक, रेड, ब्लू, व्हाइट, येलो. आप बुक से नहीं देखेंगे, आप खुद से लेंगे. आप घर में हो, आप घर में चीज चेक करेंगे क्या चीजें किस कलर की है, उनका नाम लेंगे. ठीक है? और मुझे आप ऑर्डर कर सकते हैं. ये आपका प्रयोग. ठीक है? क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दिए जाएंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे. लेकिन उससे पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? यहाँ पर आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप जरूर लिखेंगे. ये आपके क्वेश्चन आंसर में. ठीक है? इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, पोएम लर्न कर लेंगे. अगर पोएम में और आपको प्रॉब्लम में समझ लेंगे तो आप उसे पूछ सकते हैं. ठीक है? ये आपका लिटरेचर का. लेकिन सबसे पहले हम कुछ ट्रांसलेशन की बात करेंगे. कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स पहले बताऊंगा. ठीक है? उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? तो इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं. तो इरेज करने से पहले आप इसे आप नोट डाउन कर लो, मैं इसे पहले इरेज करूंगा. ठीक है? ठीक है, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं. अब बात करेंगे ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन, ठीक है? ट्रांसलेशन में हमें यूज करना है वर्ड्स. इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर को आप देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज को आप चेक करेंगे कि वहां पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि वर्ड्स अवेयर का आप यूज कहां कर सकते हैं. पिछली बार मैंने सिंगुलर और प्लुरल आपको पढ़ाया था. सिंगुलर और प्लुरल को पढ़ाया था. सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर वन होता है, प्लुरल मोर देन वन होता है. मोर देन वन की बात कर रहे हैं. ठीक है? ओके. तो इसे टेबल बनाया गया है. हम सिंगुलर के साथ वाज का यूज करते हैं और प्लुरल के साथ प्लेयर का यूज करते हैं. ठीक है? मैं यहां एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं जिसे आपको राइट कर लेना है, डाउन कर लेना है और एक्सरसाइज बनाना है, शुरू कर देने है. ठीक है? आप इसे लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं. आई एम इरेजिंग नाउ. सो सी द टेबल. मैं वन साइड सिंगुलर लिख रहा हूं, सेकेंड साइड प्लूरल. अब पर्सन की बात करते हैं. हम जब पर्सन की बात करते हैं, पर्सन में आप ये बात ध्यान रखेंगे, पर्सन मीन्स आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं या किसी तीसरे की बात कर रहे हैं? जब आप अपनी बात करते हैं उससे हम फर्स्ट पर्सन, जब आप दूसरों की बात करते हैं सेकेंड पर्सन, आप किसी तीसरे की बात करते हैं तो वर्ड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम आई से यूज करते हैं, प्लुरल में वी का. और आई के साथ वाज क्योंकि वो सिंगुलर है और वी के साथ वेयर यूज करते हैं. सेकेंड पर्सन में दोनों ही केस में हम यू का ही यूज करते हैं और दोनों ही के साथ हम वेयर यूज करते हैं. ओके. थर्ड पर्सन में हम ही सी इट या किसी के नाम से संबोधित करते हैं. ठीक है? और सनी के साथ हम वाज का ही यूज करते हैं. ठीक है? थर्ड पर्सन प्लुरल में हम दे का यूज करते हैं या मोर देन वन का यूज करते हैं. जैसे द बॉयज राम एंड श्याम. बॉयज राम एंड श्याम दोनों ही केस में हम मेयर का ही यूज करते हैं. ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है? आइए
इससे अगर आप एक्सरसाइज बनाने हैं तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज से ले रहा हूं। जैसे मैं अनुपस्थित था आई वॉज एब्सेंट, मैं टीचर था आई वॉज टीचर, वह डॉक्टर था ही वॉज अ डॉक्टर। ओके, तुम चोर थे ठीक है, यू आर अ थीफ, ठीक है। याद रखें सभी केसेस के साथ हम था थी के साथ यूज करते हैं, था हो थी हो या थे, मतलब कि बीते हुए बातों के साथ हम वाज वगैरह का यूज करते हैं, मतलब कि जो चीज हो चुका है उसके बारे में हम वहां पे वाज वगैरह का यूज करेंगे। तब याद रखेंगे आप जहां पे वाज वगैरह यूज कर रहे हैं आपको उसे पता होना चाहिए कि वो बीता हुआ कल होना चाहिए, आप अभी की या आने वाले कल में वाज वेयर का यूज नहीं करते। तो वाज वेयर का यूज आप कहां करते हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, ओके, या वो चीज तुरंत कुछ अभी हुई हो, या 100 साल पहले हुई हो, या 1 साल पहले हुई हो, या 1 दिन पहले, जो चीजें हो गई वो पास्ट है, पास्ट में काल जो बीत चुका है और वहां पर हम यूज करते हैं वाज वेयर का, ठीक है। तो कोई भी चीजें जो हो चुकी है जिनको अभी के लिए बोला जा रहा है, अभी लेकिन नहीं हो रहा, नहीं होने वाला है, जो हो गया उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज एंड वेयर्स का, ठीक है। आप एक्सरसाइज आगे बना लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उससे पूछ सकते हो। दैट्स अ ग्रेट क्लास, और स्टूडेंट्स प्लीज आप ऑनलाइन क्लास और प्रॉब्लम क्लास अटेंड जरूर करें। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे ऑनलाइन क्लास आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन क्लास आप जरूर आए, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप ट्यूजडे को प्रॉब्लम क्लास के दिन पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज आगे बनाते रहेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, प्लीज बी अटेंटिव, ओके, दैट्स ऑफ द